हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ चुका है और पॉलिटेक्निक रिजल्ट आने के बाद क्या करना होता है, आपको काउंसलिंग करना पड़ता है। काउंसलिंग करने का मतलब क्या होगा, आपको कॉलेज को चूज करना पड़ता है, किस कॉलेज में किस ब्रांच से आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो शुरू हो चुका है, काउंसलिंग का डेट आ चुका है। बिहार पॉलिटेक्निक के आप एग्जाम दिए हुए हैं तो किस प्रकार से काउंसलिंग करना होगा, आप ये वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, DCEC, ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका क्या करना है, आना है, इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, आपको हम यहाँ से दिखा देते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा, इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ द DCECPE, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस पर क्या करना है आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी सर्च लेगी, उसके बाद फिर से पेज रिफ्रेश हो जाएगी। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन एंड टू फाइल DCECPE काउंसलिंग 2022। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके लिए ओके के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से एक नए पेज ओपन होगी। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग काउंसलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बता देते हैं हम, यहाँ पर रोल नंबर डालना है, यहाँ पर पासवर्ड, तभी आप लोग पासवर्ड नहीं बनाएंगे, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे। तो सिंपली चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा, यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन पूछा जा रहा है, आप एग्री हैं काउंसलिंग करने के लिए, तैयार हैं, और यहाँ पर अगर नहीं तैयार हैं तो यहाँ पर आई डोंट नॉट एग्री कर सकते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है आपको एग्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है, कैंडिडेट का नाम फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर डालना है, और यहाँ पर सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा, ठीक है, पासवर्ड नहीं, सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। इसलिए हम नीचे आकर बता देते हैं आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इसको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है, इस पिन को यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए फिल करके हम आगे प्रोसेस बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल, पर्सनल डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो आप जो आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। डेमो के लिए हम डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, इस तरह से आपको लगाना है पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर फिर से यह सिक्योरिटी पिन को फिल करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, सबमिट एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना है। चलिए फिल करके हम आगे प्रोसेस बताते हैं आपको। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको पूछा जा रहा है, डू यू विज विश टू सबमिट, आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यस मैं सबमिट करना चाहता हूँ, तो यस पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, पासवर्ड लिखने से पहले क्या करना होगा आपको, सिंपली इस पर क्लिक करना है थ्री डॉट पर, उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर आप देख लो टिक लगा हुआ है, टिक लगा दीजिए तो सुविधा होगा पासवर्ड लिखने में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, आपसे पूछ रहा है हाँ आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यस मैं सबमिट करना चाहता हूँ, क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या करो, आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा ओटीपी, ठीक है। तो देखिए आपको मोबाइल नंबर या ओटीपी, ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड कर दिया गया होगा, ठीक है। अगर सेंड नहीं हुआ होगा तो सेंड ओटीपी, यहाँ पर रिसेट ओटीपी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या करना होगा आपको, पासवर्ड लिख ओटीपी लिखने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर साइड डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इस साइड में जो हम बता देते हैं, इस साइड के ऑप्शन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस साइड में जो है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल चूजिंग के लिए यहाँ पर 244 है, ठीक है, और आप अभी चूज नहीं किए हैं, यहाँ पर जब चूज कीजिएगा तो टोटल फील के यहाँ पर दिखाई दे देगा, ठीक है, और यहाँ पर अनचूज का भी इतना है, ये को भी एक भी नहीं हुआ है, टोटल इतना ही दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लॉक अनलॉक का स्टेटस दिखाई देगा, ठीक है। चूज करने के बाद वहाँ पर लॉक करना पड़ेगा। चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चूज फिलिंग न्यू का ऑप्शन ब्लैंक हो रहा होगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिए, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। आपको 20 मिनट का समय यहाँ पर दिया जा रहा है, 20 मिनट के अंदर में आपको पूरा फिल कर लेना है। सिंपली आपको फिल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं या सरकार, मैंने क्या प्राइवेट या गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट पर हम क्लिक करते हैं, क्या गवर्नमेंट के लिए ही हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो इस प्रकार से करना है, आप फिल्टर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो क्या करें, जितनी सारी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको, जो जो आप फर्स्ट में देना चाहते हैं उसको कॉलेज के यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखिए यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यह नहीं करना है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर नहीं करना है, इस क्या कह रहे हैं,
इलेक्ट्रॉनिक हमें इलेक्ट्रॉनिक्स देना है, ठीक है, तो क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। इस प्रकार से आप अगर रैंक आपका ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए सारी कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सके, ठीक है। तो चलिए हम फिल करके बताते हैं किस प्रकार से करना है, आप भी फिल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स क्या करना होगा आपको, सारी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, जिस पर क्या करना है आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो जैसे डू यू वांट टू सेव चेंज इन चूज, तो ओके पर क्लिक कर देना है, ये सेव हो जाएगी, ठीक है। टोटल सेव जो 204 को दिखा रहा है एट टाइम, ठीक है, तो इसको क्या करना क्लिक कर देना है, टाइम हो गया एक्सपायर, फिर से हम क्लिक करके उसके बाद आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्लिक करने के बाद सेव हो चुका है, ठीक है, तो आपको देखना है सेव हुआ है या नहीं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है व्यू फिल चूज, ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, जो आप चूज़ किए होंगे वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको क्या करना है देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिल हो चुका है, तो इसको लॉक कैसे करना है, ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं आपको लॉक कैसे करना है। इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चूज लॉक, न्यू का ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आई एग्री आप लॉक करना चाहते हैं, ठीक है, हम लॉक करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP भेज दिया गया होगा, ठीक है, तो यहाँ से OTP फिल कर देना है। तो आपको क्या करना है OTP इसके बाद फिल करना है, सबसे पहले आपको जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ पर क्या करना है फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम पासवर्ड लिख के और यस लॉक पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है आपको, पासवर्ड लिखने के बाद आपको लॉक यस पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर क्या भेजा OTP भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आप किस पर मंगाना चाहते हैं, ईमेल पर या मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। जो दो दिया हुआ है उसमें से मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं तो मोबाइल पर क्लिक कीजिए, और ईमेल पर मंगाना चाहते हैं ईमेल पर क्लिक कीजिए। चलिए हम मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं तो या मोबाइल पर क्लिक करते हैं और सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, आपके जो मोबाइल नंबर दिए होंगे फॉर्म फिलअप करते समय उस पर आपको OTP चला गया होगा। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता दें, आप यहाँ पर लॉक नहीं भी कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो लास्ट डेट के समय आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए आप अपने से ही लॉक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर OTP आ चुका है तो उसको फिल कर लेना है, तो यहाँ पर लॉक चूज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए थोड़ा वेट करना होगा, लोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये लॉक हो चुका है, देखिए यहाँ पर लॉक पर क्लिक करेंगे स्टेटस देखने के लिए। तो यहाँ से आपका कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो लॉक हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉक होने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आपको जुड़ जाता है क्या, प्रिंट लॉक चूज, ठीक है, इस ऑप्शन पर सबसे नीचे दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने पास प्रिंट आउट करके रख लेना है। जब आपके सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो उस समय आपको वेरिफिकेशन के लिए यह मांगा जाता है, ठीक है। तो इसको संभाल कर रखिएगा या PDF अपने फ़ोन में सेव कर रखिएगा या प्रिंट आउट इसको करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए डाउडिंग लॉक चूज लेटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से पेज PDF ओपन होगी। PDF ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इस पर ओपन पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। ओपन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर डाउडिंग ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से जो आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। चलिए हम कुछ भी यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ABCD लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेव कर देते हैं, सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, या क्या हो गई मेरे फोन में सेव हो चुकी है, तो इस प्रकार से आपको सेव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी अगली नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको पास देखने को मिले।